तो गाइस फिलहाल अभी मस्त वाली लड़ाई हो रही है मेरे रूममेट के साथ। हम दोनों की बहस हो चुकी है, दोनों की अभी वो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में दिखाने वाला है कि वो सही है और मैं गलत हूँ, देखते हैं कौन सही होता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो फिलहाल अभी बजे सुबह के अरे 10:30 बजने वाले हैं। आज थोड़ा बहुत लेट हो चुका है उठने में, क्योंकि रात को लेट सोते हैं तो फिर सुबह उठने में भी लेट होता ही है, क्योंकि पढ़ाई करनी होती है ना, इसलिए अभी एग्ज़ाम भी आने वाली है। और बाय द वे अभी फिलहाल जा रहे हैं मैथ्स में, और आज काउंटिंग भी है तो वो काउंटिंग इस कॉलेज में रखी है तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो फिलहाल जा रहे हैं अभी मैथ्स में, और प्रियोडन को भी मैंने जस्ट उठाया है, वो भी लेट सो ही रहा था तो अभी मैथ्स बंद होने वाली है, इसलिए मैंने अभी उसको उठा लिया। और बाय द वे देखो दोपहर का सन तो निकल चुका है अभी। वैसे फाइनली फिलहाल आ चुके हैं फिर से रूम पे, और सिर्फ चाय भी क्या है, हम लोग खाना तो नहीं मिला क्योंकि आज वोटिंग है ना, तो मैथ्स लेट खुलने वाली थी 8:30 को, और टाइमिंग था 8:30 to 9:30। गुड मॉर्निंग। तो 8:30 to 9:30 था, तो मैंने पढ़ने में गलती कर दी तो हम लोग 9:30 के बाद गए, इसलिए वो खत्म हो चुका था। तो फिलहाल अभी पढ़ाई चल रही है, मैं अपना असाइनमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, और प्रियोडन भी अपना काम कर रहा है पढ़ाई वढ़ाई। और फिलहाल अभी बजे 12:30 बजने वाले हैं, तो अभी लंच से पहले यही काम होने वाला है, लंच के बाद अपने जाएंगे कहाँ पे जाना है, लंच के बाद लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी जाना है, तो कल भी गए थे और अभी मतलब लाइब्रेरी जाके अच्छी पढ़ाई होती है, तो उसके बाद खाना खाने के बाद लाइब्रेरी भी जाएंगे, और वोटिंग वाला है सीन वो भी आपको दिखा दूँगा। तो फाइनली फिलहाल अभी बंद करते हैं लिखना, और फिलहाल अभी बन चुके हैं अपने 1:30, 12 घंटे में मैथ्स बंद हो जाएगी। तो फिलहाल अभी जाते हैं मैथ्स में खाने के लिए, वरना भूखा रहना पड़ेगा भाई। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर चाय पीने के लिए, क्योंकि अभी बजे 4:30 बजने वाले हैं, और भाई डे में यार सो गया था, दोपहर को खाना थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, तो उसी वजह से मैं सो गया था, तो अभी 1/2 घंटे पहले मैं उठा रहा। फिलहाल अभी चाय पी जाए मस्त गर्म वाली, वापस जा रहे हैं कॉलेज और स्टेट में। तो भाई चाय पीना तो ऐसा ही रहेगा, आज हम लोग को मना कर दिया है, हम लोग सुबह से किसी को नहीं जाने दे रहे हॉस्टल से बाहर, काउंटिंग कॉलेज में हो रही ना, तो इसीलिए अभी काउंटिंग खत्म हो चुकी है फिर भी मना कर रहे हैं, पता नहीं जो भी होगा, अभी बाहर तो नहीं जा सकते अपने, सो सैड। कैसा कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत बुरा। मतलब चाय पीने को नहीं मिल रही, क्या है ये? तो फिर से वहाँ जा रहे हैं चाय पीने के लिए, और आगे सिक्योरिटी गार्ड है, मे भी अब तो जाने देंगे, अभी तो बहुत टाइम हो चुका है 6 बजने वाले, तो मे भी जाने ही देंगे। जा रहे अपने अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दे रहे सबको। ज्वाइन हो चुका है हमारे साथ राकेश बोस, और ये आ गए क्या? हाँ ये कर लो पहले, ये जरूरी है, हाँ ये जरूरी है, ऐसे हाथ छोड़ के साइकिल चलाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्यों? कहीं उधर गिरा हुआ मिलेगा पता भी नहीं चलेगा, अगर तो गिर गया ना तो वो आगे वाले को गिरा दे चल। भाई एक दिन भी मत रहा, लेकिन क्या चाय के लिए लड़ाई हो रही है? नहीं चाय के पैसे देने के लिए, लड़ाई नहीं दे रहा भाई। अपने रूम में जा रहे थे, लेकिन ये बीच में अपने ग्राउंड है, तो पहली बार मैं ग्राउंड पे आया हूँ, देखो भाई ग्राउंड के कितना बड़ा ग्राउंड है, वहाँ हमारी कॉलेज हॉस्टल वहाँ पे, और भाई की ये रही इधर सारे डिपार्टमेंट है, लेकिन ग्राउंड देखो भाई कितना बड़ा ग्राउंड है खेलने के लिए, और वहाँ पे स्पोर्ट्स की कुछ चीज़ें अभी चल रही है, फुटबॉल और वो सब। तो गाइस फिलहाल अभी बज रहे हैं अपने 8 बज चुके हैं, और फिलहाल अभी वही अपना सबमिशन के लिए राइट अप सब लिख रहे हैं, और फिलहाल अभी जा रहे हैं मैथ्स में खाने के लिए,
अभी खाना पड़ेगा ना, 8 बज चुके, तो पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर से ये लिखना ही है। तो गाइस फाइनली अभी हमारा डिनर हो चुका है और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, कुछ सामान लाना है तो इसलिए अभी फिलहाल बाहर जा रहे हैं। और चाय पिएगा, पिएगा चाय के लिए तो कभी मना नहीं करता प्रियवर्धन, दोनों चाय लवर एक रूम में तो मस्त है। और फिलहाल साइकिल देखो ऐसे चला रहे अपने, और फिलहाल कैंपस में कोई नहीं है, पूरा कैंपस खाली है। इधर मोस्टली उस साइड जो होता है उधर ही होता है, फिलहाल यहाँ पे पूरा कैंपस खाली है। ये रहा हमारा जिम, और जिम है और फुल रैकेट खेलने के लिए जगह है, और सामने दूसरी हॉस्टल। कैमरा में तो अच्छे से नहीं दिखेगा आपको, और देखते हैं कोई वीडियो बनाना है तो देख सकते हैं। मैं सोच रहा था ऐसा कि अभी NID का कैंपस का टूर का एक वीडियो बनाने, लेकिन यार कोई साथ में होना चाहिए ना वीडियो रेकॉर्ड करने के लिए, तो उसी से हो नहीं रहा। देखिए अभी बनाएंगे जरूर। लेकिन तो गाइस फाइनली जो सामान लेना था वो ले लिया है, अभी फिलहाल जा रहे हैं हॉस्टल पे बैक। और रोड देखो भाई मस्त है, और प्री ऑर्डर भी चाहिए। केसरी फिलहाल गवर्नमेंट यहाँ पे ली हुई बात भी है तू ये जाइबो जाइबो भाई स्पीड एट गॉड लेवल। तो गाइस फिलहाल अभी मस्त वाली लड़ाई हो रही है मेरे रूममेट के साथ, तो ये वाला प्रॉब्लम था जो मैं कॉपी कर रहा था उसके सरफेस एरिया और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दूसरी में मेरे को नहीं समझ आया, तो मैंने प्रियवर्धन को पूछा। अभी हम दोनों की बहस हो चुकी है दोनों की, अभी वो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में दिखाने वाला है कि वो सही है और मैं गलत हूँ, देखते हैं कौन सही होता है। अरे रेडी है, देखते हैं कौन सही होता है। वही वही तुम दिखाओ अपने को सॉफ्टवेयर में बनाया 3D इमेजिनेशन करके दिखाएगा अपने को पूरा, देखते हैं आखिर में आपको मैं बता दूं कौन जीतता है, कौन सही है कौन गलत है। ओ भाई गलत सीन है हमारा, इतना लिखना और पढ़ना बाकी है, लेकिन अभी ये बस ऐसी छिड़ गई ना कि वो सब साइड में हो गया, अभी कौन सही है उस पर चला गया बात। अभी उसने सॉफ्टवेयर ऑफर लगा लिया, अभी इसको समझा लेने दो बात। गाइस तो फाइनली डिसीजन आ चुका है, मैं परफेक्टली 100% सही था और ये भी 50-75% तक सही था, लेकिन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग और इमेजिनेशन का थोड़ा सा वो हो गया था, मतलब थोड़ा सा समझ लो तो उसी पर। और अभी शॉर्ट आउट हो चुका है सबका, क्या है वो सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका है। आधा घंटा बिगड़ा है भाई, आधा घंटे से भी ज़्यादा टाइम ले लिया अपने को सिर्फ ये सरफेस एरिया और क्रॉस सेक्शनल के एरिया में। तो गाइस फाइनली फिलहाल अभी बज रहे हैं रात के 1:15, तो अभी 1:15 बज रहे हैं, और आज का व्लॉग मैं फिलहाल यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और लिखने वाला काम तो फिलहाल चालू है।